स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग वेक्टर्स का स्टडी कर रहे हैं और ये क्लास बीएससी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है और जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 9709710882 है, व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्स के बारे में जान सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं हम। आज आपको वेक्टर में प्रोडक्ट के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है काफ़ी यूजफुल है। लिखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बस यही चीज आपको समझना है बढ़िया से, क्लियर। यहां पे देखिए दो पार्टें बांटते हैं हम लोग। पहला होता है क्या चीज, तो स्केलर प्रोडक्ट है ना, और इसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दो बातें आपको जाननी है यहाँ पे, क्या क्या समझिए। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं दो वेक्टर्स के, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहेंगे, इसी का एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो लिखना जरूरी था, लिखा हमने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा से समय देंगे आप, बढ़िया से समझेंगे सारा बात, क्या होगा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, कितने वेक्टर का, दो वेक्टर का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, देखिए टू द पॉइंट। अब बच्चे तो आप रहे नहीं कि आपको हम मैंने लिखाएं कि लेट ए और बी दो वेक्टर है, क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या पढ़ेंगे इसको, ए डॉट बी इज इक्वल टू, होता क्या है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। जरा ध्यान दीजिए, वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। मतलब हुआ कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा जीरो के बराबर नहीं है यहाँ पे, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल। मतलब एक्चुअली बात यह है कि ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है वेक्टर ए हो गया, ए हो गया, दिस इज बी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हमारे लिए ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो है मैग्नीट्यूड है तो पक्का कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आएगा, कोई ना कोई संख्या आएगा। ए भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोई ना कोई संख्या आएगा, और यहाँ थीटा का कॉस थीटा का मान कोई ना कोई संख्या आएगा। तो पूरा गुना करने पर क्या होगा, स्केलर ही आएगा ना, कोई ना कोई संख्या ही आएगा। चलिए इसलिए लिख देंगे हम लोग, कोई ना कोई स्केलर आएगा यहाँ पे, हम संख्या बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, स्केलर आपका पूरा का वैल्यू का होगा, स्केलर होगा। इसी कारण से इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट रखा गया है, समझ में आ गया बात ना, इसी कारण से क्या किया गया, स्केलर प्रोडक्ट इसका नाम रखा गया है, क्लियर। अब इस पर एग्जाम्पल भी आपको हम देते हैं, समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल देंगे पक्का सारा बात क्लियर समझ में आपको आ जाना ही है। मेरे क्लास को देखते हैं, क्लास अच्छा लगता है लाइक किया कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, और मेरे क्लास में जब भी आप आएँ सब्र करके आएँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए,
टाइम दीजिए, पक्का आपको ना वो चीज़ सिखाएंगे हम जो कभी कोई नहीं सिखाता है, ठीक है। बढ़िया से पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं आपके लिए, और जो पढ़ा देंगे वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल से ही तो सारा कॉन्सेप्ट बनता है। करें कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर देखिए, देयरफॉर अगर यहाँ से हम बात कर देते हैं क्या चीज़ का, ए डॉट बी का क्या निकलेगा, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है ना। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, और कॉस 60 डिग्री, तो 2√3 गुने 1/2 कट जाएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा, 3 का हो गया हमारा आंसर हो गया, 3 का हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, यही आपका शानदार क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर। अब यहाँ से बहुत सारा चीज़ है और यहाँ से आपके लिए हम फॉर्मूला एक बना रहे हैं, उस फॉर्मूला के द्वारा क्या होगा बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। ये क्लास जो है रिवाइज क्लास करा रहे हैं, समझे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज़, तो स्केलर प्रोडक्ट इसमें पढ़ा रहे हैं आपको, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, समझे ना बात। चलिए घबराने की आवश्यकता ही आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर। आइए देखा जाए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे अब देखिए क्या मिला था हमको रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट कुछ जानना जरूरी है, रिजल्ट्स। चलिए रिजल्ट्स में आते हैं और सारा काम आपका क्लियर करते हैं। पहला बात, ए डॉट बी जो था वो क्या मिला था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, एक मिला था बात हमको। दूसरी बात क्या मिला है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसी से निकालेंगे हम यहाँ से, तो अगर कॉस थीटा रख लेंगे इधर तक क्या होगा, अगर डिवाइड कर देगा ही, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये मिल जाएगा आपको। थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि चाहें तो मोड कर सकते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए, मैंने आगे फायदा होगा। रिजल्ट सब समझिए, तीसरा बात समझिए, सिंपल सिंपल बातें हैं समझना चाहिए। जब ए डॉट ए करेंगे तो यहाँ पे सीधे करना क्या है, एक का मॉडुलस का स्क्वायर कर देना है, दोनों के बीच का एंगल 0 बनेगा और आगे बढ़ाने पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए सारा चीज़ समझा रहे हैं आपको। चौथा, ए डॉट जो बी होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं समझते हैं ना, तो पक्का याद रखिए कि आपको क्वेश्चन तो मन में नहीं करेगा जो मेन आपकी किताब में पढ़ना है, इसलिए बेसिक 2 क्लास पढ़ाते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। तो बी डॉट ए के बराबर हो जाएगा, राइट। अब बात समझिए पांचवा में क्या मैटर लेके आ रहे हैं, पांचवा में कह रहे हैं देखिए, एक बात तो पक्का हो गया कि ये जो मिलता है हमको, ये क्या मिलता है हमको, ये स्केलर होता है ना, क्या होता है, स्केलर होता है, जो भी मान मिलता है ए डॉट बी का होता है स्केलर होता है, पूरा का मान स्केलर होता है ना, समझिए ध्यान से। अगर ए डॉट बी क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, तो आप क्या क्या सोच सकते हैं, तो सोच सकते हैं आपने यहाँ पे कि वेक्टर ए भी 0 वेक्टर 0 हुआ होगा, माने वेक्टर ए भी क्या होगा, वेक्टर ए भी 0 वेक्टर होगा, वेक्टर बी भी 0 वेक्टर होगा, है ना, और मन सब और चल के, और वेक्टर ए लंब क्या होगा, वेक्टर बी होगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा, ऐसे ही कंडीशन बन सकता है, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ए डॉट बी 0 है, मतलब क्या हो गया, हो सकता है ए 0 हो तो ए का 0 मॉड 0 होगा, 0 इंटू समथिंग 0, बी होगा 0 तभी 0, या थीटा का मान 90 होगा तभी 0, मतलब ऐसा कंडीशन बन सकता है, समझ रहे ना, इतना बात समझ सकते हैं। छठा, आए सिर्फ अगर उल्टा कर दें हम कि ए वेक्टर पे बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का मान 0 होगा। ये सब बात समझिए, बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है ना। देखते चलिए यहाँ पे, हर कुछ याद करना है बस दिमाग लगाते चलिए, देखते चलिए, क्लियर, इतना बात समझ में आ गया ना। और इस केस में क्या करते हैं, इस केस में जो इस केस में कहते हैं हम लोग कि ए एंड बी, ए एंड बी क्या है, आर
ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है ये, इसके समय कहेंगे ये दोनों क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, राइट। आइए हम लोग नेक्स्ट बात समझते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी बातें समझा रहे हैं और बहुत अच्छा से आपको समझने की जरूरत है आपके। यहाँ पे देखिए, अब डॉट देखिए, यूनिट वेक्टर के लिए देखेंगे हम लोग सेवन का ए में कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, दोनों सेम सेम, के डॉट के, दोनों क्या है? सेम सेम है। बी में है क्या? आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इसमें क्या है? सेम सेम है। इसमें क्या डिफरेंट? डिफरेंट है। सेम सेम के लिए आंसर आता है वन वन वन, डिफरेंट के लिए क्या आएगा? जीरो 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 आएगा, मैंने जीरो आएगा। सेम के लिए वन, डिफरेंट के लिए जीरो। इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स तो पक्का तैयार कीजिएगा, नोट्स से ही काम होगा। और हम जो 20 मिनट 25 मिनट पढ़ा देंगे, 20 मिनट पढ़ा देते हैं ना, वो चीज़ें लोग 3 दिन 4 दिन पढ़ाता है, समझे ना बात। बस आपको समय का रिस्पेक्ट करना है, समय पर ध्यान देना है, बाकी तो हम सारा काम आपका आसान कर ही दे रहे हैं, ठीक है ना? बाकी सारा काम हम आसान कर दे रहे हैं आपका, ठीक है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए मिटाते हैं, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है उसको समझते हैं बढ़िया से, राइट। अब यहाँ पे नया जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं बढ़िया से, ध्यान से देखिए क्या है नया कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं बढ़िया से। कि अब यहाँ देखिए, डॉट प्रोडक्ट है ना, इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए यहाँ बढ़िया से, लेट ए वेक्टर जो है, मान लिया हमने ए वन आई कैप बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। वेक्टर बी क्या मान लिया हमने? ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप, ठीक है ना? तो सिंपल देखिए, सिंपल लॉजिक एक होता है, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ये होता है, ठीक है ना? ये होता है, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी जानना है, बहुत ज़रूरी है जानना इस बात को। टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप, सिक्स के कैप, और वेक्टर बी क्या होगा? थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस टू के कैप। तो देयर फोर अगर ए डॉट बी निकालते हैं हम लोग तो क्या होगा? दो त्रिका छ, पाँच त्रिका 15, छ दूना 12, कितना हो गया? 21 और 12 33, 33 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया, 33 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। समझ लेना बात को बढ़िया से, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऐसा दिया रहा है, एंगल जब नहीं दिया रहा है तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? अब कभी कभी कुछ कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ कुछ मिसिंग रहता है, जैसे मान के चलिए कि वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ठीक है, और बी इक्वल टू दे दिया है टू, दे दिया यहाँ पे क्या, फोर जे प्लस टू के, अब आई कहाँ से लाएँ? तो देखिए ए डॉट बी जब निकालेंगे ना, निकालेंगे ए डॉट बी, तो क्या होगा कि इसमें क्या करते हैं कि आई तो नहीं, इसमें आई वाला बात भूल जाते हैं। चलिए चार दूना आठ प्लस तीन दूना छः क्या होगा? 14 हो गया, क्योंकि आई के साथ जो क्या हो गया, जो मैंने कंपोनेंट है वो जीरो होगा ना। आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जीरो आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप, ऐसे लिखेंगे, है ना? तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, अगर एंगल निकालना हो तो कंपोनेंट फॉर्म में एंगल कैसे निकालेंगे, ये भी बात जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो क्योंकि वो भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आता है, प्रोजेक्शन में भी, प्रोजेक्शन में जानना है वो सब बताएंगे आपको,
तो वो सब चीज़ भी समझिए। देखिए पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे आपको। यहाँ देखिए एंगल, बड़ा ही लिखते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो कुछ बात समझिए, यहाँ पे वेक्टर ए क्या मान लिया हमने, ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप। वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, सी टू के कैप। इसीलिए देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लिखेंगे सिंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी का मॉड बट्टा ए का मॉड बट्टा ए का मॉड इनटू बी का मॉड, ऐसे ही होता है। तो बस करना कुछ नहीं है, ए डॉट बी कितना निकाले थे आप, तो ए वन ए टू, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू का मॉड बट्टा क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए का मॉड कर रहे हैं तो मतलब ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, ऐसे करके रूट कर देंगे, मॉड ऐसे निकालते हैं ना। और फिर देखिए इसका मॉड निकालना है, इसका मॉड निकालना है मतलब ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर, ऐसे हम लोग ये चीज़ करने कर लेंगे हम लोग, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना बात ही, क्लियर राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, बढ़िया समझिए, अगर यहाँ पे थीटा का मान रखते हैं 90 रखते हैं ना, एक दोनों वेक्टर क्या होगी दूसरे पर लंब हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो 90 का कॉस 90 का मान जीरो हो जाएगा, जैसे यहाँ जीरो आएगा, समझिए जैसे यहाँ जीरो आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, समझिए जीरो है यहाँ पे, क्या है जीरो है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिखिएगा यहाँ पे, रिमेंबर याद रखें, क्या चीज़ याद रखना है कि अगर ए परपेंडिकुलर क्या हो बी हो देन क्या होगा, देखिए ए डॉट बी क्या होगा, देखिए तो ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस, थोड़ा सा रुकिए इसको और अच्छा से लिखते हैं हम, ए डॉट बी क्या हो जाएगा जीरो के बराबर होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा। बस अगर ये कंडीशन लागू है तो क्या हो गया, वेक्टर आपस में क्या है लंब है, ठीक है ना, दूसरे पर लंब है मतलब 90 का एंगल बना रहा है, इतना बात समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं कि आगे का मीटर क्या है, ये सारा चीज़ लिखते चलिए, फॉर्मूला बहुत सारा इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणन क्या होता है, वही पढ़ना है आपको पहले, तो पढ़ाएंगे लेकिन ये सब समझ में आएगा ना, स्केलर प्रोडक्ट नहीं पता है तो क्या समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो थोड़ा लाइक कर दीजिए इतना दूर तक देखते चले आए हैं तो, है ना, चलिए गुड, अच्छे बच्चे जितने करते। आगे पढ़ते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, इसका यूज करेंगे हम लोग आगे, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनादर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ये बात जानना है, प्रक्षेप। अब समझिए जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है ना, ये वेक्टर ए ले लिया हमने, ठीक है ना, ओ ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ठीक है, एक वेक्टर बी ले लिया हमने, ठीक है यहाँ पे बी, दोनों के बीच थीटा एंगल बन रहा है, जरा ध्यान से देखिए होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, दोनों पे कितना कोण बन रहा है थीटा। अब यहाँ से मान लीजिए आप, यहाँ से इसको हम नीचे कर दिए, वेक्टर बी है पूरा वेक्टर बी है, ठीक है ना,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नाम रखिए M, ये तो ठीक है B है, लिखेंगे यहाँ पे देखिए। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे देखिए इसका जो है ना, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, इसका हम लोग प्रोजेक्शन बताना चाह रहे हैं। तो इसका प्रोजेक्शन इधर से टच चलाएंगे तो क्या होगा, इस चलाएगा नीचे सीधे, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ओ एम कहलाएगा। क्या होगा, ओ एम क्या कहलाएगा, ओ एम क्या कहलाएगा, बी का प्रोजेक्शन कहलाएगा ए पर। तो लिखेंगे ओ एम इज द प्रोजेक्शन, ओ एम मतलब कि इसका प्रक्षेप। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा आपका, यही बनेगा ना, इतना क्या कहलाएगा आपका, प्रोजेक्शन कहलाएगा बी का ए पर। तो एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, क्लियर। अब इस बात को हम लोग और आगे से क्लियर करते हैं। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 90 एंगल बन रहा है। तो हम निकालते हैं क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलिए, तो ओ एम बाई ये ओ बी है कि नहीं, मतलब यहाँ देखिए ओ एम बाई ओ बी का मतलब क्या है, ओ बी एक लेंथ है तो बी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ओ एम क्या मिल गया हमको, देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, ओ एम बराबर ओ बी इंटू, मतलब इंटू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना। अब देखिए करते क्या हम लोग, ऊपर नीचा गुना कर लेते हैं हम लोग किससे, ओ बी कहाँ से, सॉरी गलती ना हो गया, ये गलती लिखती है ना, इससे गुना होगा मॉड बी कॉस थीटा, गलती से कहा गया था, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे मॉड ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मॉड ए, चलिए ये अपने मन से लाए हैं ना तो नीचे तो भाग करना पड़ेगा, देखिए कट जाएगा, कट जाएगा तो फिर इतना ही मिल जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिल जाएगा, इसका मतलब ये होता है बटा ए का मैग्नीट्यूड, यही मिला ओ एम का मतलब। ओ एम का मतलब, ओ एम का मतलब क्या कहेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इतना ही हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो गया, ए डॉट बी बटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ देखिए बी ऑन ए, बी ऑन ए क्या कहलाएगा, ए डॉट बी का मॉड बटा ए डॉट बी का मतलब वैल्यू बटा क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ए ऑन बी, तो क्या कीजिएगा, देखिए लिखिएगा ए डॉट बी बटा ऑन के बाद क्या है, बी है, तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग करेंगे, ऐसे निकालते हैं प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन हुआ। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, चलिए आगे देखिए, आगे बात को समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना एक प्यारा सा, उसके बाद सब कुछ क्लियर क्लियर साफ साफ समझ में आएगा, समझे ना बात, घबराइए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता है। चलिए यहाँ देखिए कह रहे कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप ऑन आई कैप माइनस जे कैप। सोल्यूशन देखिए, लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, तो देयर फोर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई इंटू वन वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। एंड इसका इस पे निकाल रहे हैं, मतलब बी के मैग्नीट्यूड से भाग करने वाले, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट दो। इसीलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो ए डॉट बी बट्टा क्या हो जाएगा, मैंने छोटा बी मतलब जीरो बट्टा कितना, जीरो बट्टा रूट दो भाग करने पर जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है ना बात। तो अगर क्लास मेरा अच्छा लग रहा है आपको,
इस क्लास कवर करते हैं हम। अगले क्लास में पढ़ाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है फंडा। तो अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर साफ सब समझ में आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और उनको बताइए कोर्स के बारे में, ठीक है ना, क्लियर। और आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे मोटिवेशनल बाबा करके है नाम, एक चैनल का नाम बनाए हैं, मोटिवेशनल बाबा आरके सिंह करके लिख दीजिएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका